डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में फिर से शामिल होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने इस मामले में मीडिया के वर्ग में आई खबरों पर हैरानी जताते हुए एक ट्वीट में कहा कि दुर्भाग्य से इस तरह की कहानियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं के धड़े द्वारा प्लांट की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा ऐसे प्रयास इसलिए किए जाते हैं जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार फिर मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ये कहानी पूरी तरह निराधार है, मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया है। दरअसल पार्टी आलाकमान के साथ अपने मतभेदों के बाद आजाद ने अगस्त महीने में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी और उनकी मंडली को निशाना बनाया था। बता दें कि गुलाम नबी आजाद 1970 के दशक के बीच में कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टी और सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। साथ ही गुलाम नबी आजाद 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे।